अगले 60 दिनों में मैथ्स के अंदर 5 आउट ऑफ 100 से 60 प्लस आउट ऑफ 100 थोड़ा मुश्किल है बट पॉसिबल है, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें चैप्टर्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अगर सिंपली वेटेज और टफनेस के हिसाब से देखें तो बकेट लिस्ट 1, 2 और 3 कुछ ऐसी दिखेंगी, बट इसे तुम्हें अपने प्रिपरेशन लेवल के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। कैसे, बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर तुम्हारी मैथ में बिल्कुल भी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो तुम बकेट 1 के अलजेब्रा और वेक्टर्स के टॉपिक्स उठाओ, ये कंपैरेटिवली इजी और अपने में इंडिपेंडेंट रहते हैं तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इतना करने के बाद बाकी चैप्टर्स की तरफ जाओ। वहीं अगर तुम्हारी इतनी भी ख़राब तैयारी नहीं है, जनवरी अटेम्प्ट में 60 से 70 नंबर आए थे टोटल, तो तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% सिलेबस कवर करने की तरफ जाना चाहिए और मैथ्स में अभी के लिए सिर्फ बकेट 1 पे फोकस करना चाहिए। मैथ्स में क्वेश्चन तभी बनेंगे जब तुम्हें अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हो, जिसमें टाइम लगता है। इतना करने के बाद ही तुम्हें बाकी चैप्टर्स पर जाना चाहिए। अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा सॉर्टेड है, बस मैथ्स में नंबर नहीं बन रहे हैं, तो तुम्हारे पास टाइम है, बकेट 1 और बकेट 2 अच्छे से करो एंड बकेट 3 के बेसिक्स देख लेना। बाकी अगर टाइम परमिट तो पूरे सिलेबस को तो कवर करने की कोशिश रहनी ही चाहिए। भैया बोर्ड्स वाले कैसे मैनेज करेंगे? अगर ध्यान से देखो तो बकेट 1 में 12th के बहुत से चैप्टर्स हैं, जैसे वेक्टर 3D, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, AOD, एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इन चैप्टर्स पे फोकस करो, तुम्हारी JEE की भी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड्स तो कर ही लोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे जिस भी लेवल की प्रिपरेशन हो, तुम्हें सभी चैप्टर के बेसिक फॉर्मूलाज रटे होने चाहिए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जैसे चैप्टर्स के। क्यों? क्योंकि ये बेसिक से फॉर्मूलाज किसी भी क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं। मैंने यहाँ कुछ चैप्टर्स को मार्क किया हुआ है, ये कुछ ईजी चैप्टर्स हैं जो मैथ्स में जल्दी मिलते नहीं हैं, तो इनको गलती से भी इग्नोर मत करना। एग्जाम में इनसे कोई ईजी सा क्वेश्चन आ जाएगा और तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे तो रिग्रेट होगा। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर एग्जाम में तुम्हारे उतने नंबर नहीं बन रहे हैं जो कि नॉर्मल है, तो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर उनको और स्ट्रेंथन कर सकते हो एंड मैथ्स में सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर्स पे फोकस कर उनको मास्टर करके एक अच्छा ओवरऑल स्कोर ला सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन चैप्टर्स को करें कहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट वन शॉट सीरीज़ की लिंक्स डाल दी है, तुम अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चूज़ करके देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन के लिए अभी बेस्ट रिसोर्स है 2018 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस। अगर सफिशिएंट नहीं लगे तो टाइम निकालकर 2018 के पहले के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। बकेट लिस्ट वाली PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।